SC ST एक्ट एवं आरक्षण मुक्त भारत की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा अपने सहयोगी पार्टियों के साथ 24 दिसंबर से एक राष्ट्र रक्षा संकल्प यात्रा निकालेगी, जो महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को आरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय संयोजक अवधेश कुमार मिश्र ने बताया। मैं राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक अवधेश कुमार मिश्रा। विगत 11 सितंबर को मोर्चे की बैठक अलीगढ़ में हुई और वहाँ यह तय किया गया कि हर जनपद में रथ यात्रा निकाल करके SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के विरोध में हम मतदाताओं को जागरूक करेंगे। इसके तहत इसी क्रम में गोरखपुर में राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश मिश्रा जी हमारे बगल में हैं, अपना समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी जी हमारे बगल में हैं। इसी क्रम में आगामी 24 दिसंबर को रथ यात्रा पूरे जनपद के लिए गोरखपुर से निकलेगी, मेहदीलांस रोस्तमपुर गोरखपुर से। यह रथ यात्रा 12 दिनों तक चलेगी, 24 से लेकर के हम जाएंगे चौरी चौरा, 24 को चौरी चौरा में विश्राम है, 24 से चौरी चौरा से पिपराई भटहट होते हुए कंपियरगंज में विश्राम है, फिर पीपीगंज होते हुए जंगल कौड़िया होते हुए डोहरिया में विश्राम है, डोहरिया से फिर सहजनवा निकलेंगे, सहजनवा से फिर घसरा, घसरा से फिर भीटी होते हुए चांदबारी भीटी होते हुए फिर सहजनवा में विश्राम है, फिर वहाँ से निकल करके जैतपुर होते हुए फिर खजनी सिकरीगंज होकर के बेलघाट, बेलघाट में फिर विश्राम लेकर के फिर आगे चल करके उरुआ होते हुए फिर हम जा करके बड़हलगंज में विश्राम करेंगे, बड़हलगंज से फिर कौड़ीराम होते हुए हाटा होते हुए हम जानीपुर, जानीपुर से कौड़ीराम होते हुए बांसगांव, बांसगांव से भटौली होते हुए फिर वापस आ करके हम कौड़ीराम में विश्राम करेंगे, वहाँ से निकल करके महावीर छपरा, महावीर छपरा से फिर बडडाण, बडडाण से फिर वापस जैतपुर होते हुए हम नौसड़ में विश्राम करेंगे। उसके बाद फिर हमारी गोरखपुर की रथ यात्रा शुरू होगी 2 तारीख से, 2 तारीख से हमारी रथ यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर से शुरू होगी, नौसड़ के बाद ट्रांसपोर्ट नगर से होकर के हम आगे बसंतपुर होते हुए, जाफरा बाजार होते हुए सूरजकुंड जाएंगे, सूरजकुंड से दुर्गावाड़ी होते हुए फिर आगे दुर्गावाड़ी तक आकर के विश्राम होगा, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे फिर गोरखनाथ रोड होते हुए बरगदवा, बरगदवा से होते हुए फिर मेडिकल कॉलेज असुरन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से होकर के फिर राप्ती नगर से असुरन पर हमारा एक विश्राम होगा, और उसके बाद असुरन से जब हमारी रथ यात्रा अंतिम रथ यात्रा 4 तारीख को चालू होगी और असुरन से फिर गोलघर काली मंदिर होते हुए विजय चौराहा, विजय चौराहा से होते हुए आगे बक्सीपुर, बक्सीपुर बैंक रोड होते हुए बक्सीपुर से नखास, नखास से सीधे होते हुए घोष कंपनी होते हुए प्रेस क्लब पर स्थानीय गोरखपुर में शास्त्री चौक प्रेस क्लब पर आकर यहां समाप्त होगी, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे 12 दिन की यात्रा का जो अर्थ है, हमारी जनता क्या कहती है, हमारी जनता में हमारे प्रति क्या भावनाएँ हैं, इसको मैं यहाँ आकर के उजागर करूँगा।